नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, इस समय जो है एग्ज़ाम का पूरा एकदम दौर शुरू होने वाला है सब कुछ, ठीक है। आपके सामने दो तीन एग्ज़ामें महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सा जो है का BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, जो कि जून में ही प्रस्तावित है। लेखपाल का आ गया है, जो कि 19 जून को है। और आपका जो एक और बढ़िया एग्ज़ाम है आपका NTPC मेंस, ठीक है। उन सभी में GS का वेटेज बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आज से शुरू कर दिया जा रहा है आप लोगों का। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ इसमें कवर कर दिया जाएगा। देखिए, एक टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का, खगोल की, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इसका भी टॉपिक आ जाएगा इसमें। भारत का इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों आ जाएगा इसमें, मध्यकालीन, आधुनिक। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आ जाएगा, मतलब पॉलिटी आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी आ जाएगा, और खेलकूद एवं पुरस्कार आ जाएगा, सभी, ठीक है। यह सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और कोई कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। हम लोग आज खगोलिकी से पहले जो आपका पहला चैप्टर था, ठीक है, इसमें शुरू कर देंगे कि जो भूगोल का परिचय है लगभग, ठीक है, एक सामान्य परिचय, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। बाकी आगे वीडियो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आगे जो भी वीडियो मिले आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक है देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। देश क्वेश्चन में दिया गया आपका, भूतपूर्व राजधानी मतलब जैसे कि पहले भारत की राजधानी जो आपका लखनऊ थी, लखनऊ से ट्रांसफर करके गई है दिल्ली, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो यह पहले नहीं था, कौन सा ये बताना है इसमें। तो जो कराची है पाकिस्तान की राजधानी रही है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी पहले रही है, इस समय न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे क्योटो जापान आपका हो जाएगा, इसकी राजधानी थी पहले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्रिस्बेन नहीं थी पहले, ठीक है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन आप तो पता होगा वो, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, नहीं, कैनबरा है इस समय, और पहले भी नहीं थी अभी इसमें। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है, इसमें से किस एक की मुद्रा जो है रुपया है। तो आपका हो जाएगा सेसेल्स, ऑप्शन आपका हो जाएगा सेसेल्स से डी, ठीक, इसका रुपया है। और आप लोगों को पता होगा कि भूटान की मुद्रा खुद पूछता है एग्जामों में, भूटान की मुद्रा खूब पूछता है। इसका मुद्रा क्या है, भूटान की मुद्रा निग्लिट्रन है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए, और ये मालदीव जो उसका रूफिया है, रूफिया याद रखिए। और आगे चलिए, यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध है, इसमें से कौन सा स्थल अवरुद्ध है। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि हाँ, कजाकिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश है, लेकिन यह आपका जो वोलिविया है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका का देश, वो भी आपका जो क्या है स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र का उदाहरण है, कौन है आपका, हो जाएगा आपका समसमान रेखा मानचित्र, क्या दर्शाता है आपका समदाब रेखाओं को दर्शाता है, याद रखिए। अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेवल बहुत बढ़िया रहेगा, हर एक चीज को आपको हर एक चीज में इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे दिए गए मानचित्र ध्यान दीजिए, देखना है, और मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा क्या है। जो ये रेखा है आप लोग ध्यान दीजिए कि ये कहाँ, ये वाला देखिए रेखा क्या किसके बीच में है। तो आप लोगों को देखिए ध्यान से देखेंगे, डूरंड मैकमोहन सीमा आयोग 1947 द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सुझाई गई सीमांकन रेखा यंग हस्बैंड आपका यंग हस्बैंड अभियान द्वारा अपनाया गया मार्ग क्या है यह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डूरंड लाइन, ठीक। पाकिस्तान मेनली रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी माना जाता है, क्योंकि यह वाली लाइन जो है यह थोड़ा सा अक्सर जो POK वाला है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला है, यहाँ से होकर गुजरती है, और अभी भी हम लोग POK के अपना मानते हैं, और है भी भारत का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो भी आता है पढ़ाई पढ़ते हैं हम लोग, तो यह कहते हैं कि जो डूरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। बाकी यह लाइन पूरी तरीके से कहाँ पे है, अफगानिस्तान में भी है, यहाँ पे सॉरी पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि
नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान देना है। और कह रहा है कि यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताया गया है, यह देखिए समुद्री यात्रा यह वाला मार्ग है, यह ठीक है मार्ग बताया गया हुआ था। इसके थ्रू कौन आया था, तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि इसके थ्रू कौन आया था, वास्को डिगामा, यहीं से तो आया था ना वास्को डिगामा, वास्को डिगामा यहीं से तो आया था ना। तो सिक्स आपका हो जाएगा सेवन नंबर का बी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, इसमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है यह हमें बताना है। ठीक है तो यहाँ पे अफगानिस्तान भी है और लाओस भी है, लग्जमबर्ग भी है, लाइबेरिया नहीं है, लाइबेरिया नहीं है। ठीक चलिए आगे एट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है कि भूगोल में नौ नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक इसका जो है कौन प्रतिपादन किया था, तो आपको हो जाएगा जी टेलर ने, जी टेलर ने। नेक्स्ट है कि सूची को मिलाना है, कौन सी सूची किसमें सुसुमेलित है यह बताना है आपका। देखिए तंजानिया एक राज देश दिया है और दूसरी को राजधानी दिया है, तो तंजानिया की राजधानी क्या है यह बताना है। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, ठीक कहीं है एक का दो जगह तीन है, मतलब एक ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए और बी मिल गया। ठीक और जो केन्या है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, ऑप्शन ए हो गया सही, और भी मिला लेते हैं। नामीबिया की राजधानी क्या है, विंड हॉक है, और मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी मिलाना है सूची, एक को सूची दो। नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि वास्को डी मिलान करना है किस देश का कौन सा यात्री था, वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। ठीक है तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल हो जाएगा, और क्रिस्टोफर कोलंबस जो आपका कहाँ का है, ये स्पेन का हो जाएगा। कैप्टन कुक जो है ये आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का, और जो तस्मान है वो हॉलैंड का हो जाएगा। और रियल में जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो निकला था इंडिया खोज करने, लेकिन खोज दिया किसको, अमेरिका को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम लोग यूएई भी कहते हैं, उसकी राजधानी आप लोग जानते हैं आबू धाबी है। ठीक निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, इसमें से कौन सा किसका सुमेलित नहीं है सही ढंग से ये बताना है। तो फिजी जो है सुआ इसकी राजधानी है, फिजी की राजधानी सुआ है बिल्कुल सही है, और गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है भी सही, लेबनान की बेरूत सही है, फिनलैंड की राजधानी आपका ओस्लो नहीं है, ये गलत है। ठीक नेक्स्ट है फिर राजधानी मिलाना है, 13 क्या हो जाएगा देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा अभी मैं बताया हूँ, तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा आपका, तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दुशांबे। तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तंजानिया की राजधानी अभी ऊपर देखा गया था हम लोग देखे थे डोडोमा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। फिर राजधानी ब्राजील आपका पहला देख लीजिए, ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्रासिलिया, ब्राजीलिया। ठीक क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगा आपका, क्यूबा की राजधानी हो जाएगा यहाँ पे हवाना। केन्या की राजधानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नैरोबी। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। मैगिनॉट रेखा थी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था, वास्को डी गामा जो कालीकट पहुंचा था आपका हो जाएगा 1498 में। ठीक अच्छा कालीकट है कहाँ पता है, केरल में है और जो पश्चिमी घाट पर पाया जाता है कालीकट। ठीक 1498 में पहुंचा था। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है किस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध का मतलब ये होता है कि जो चारों तरफ से जमीन से गिरा हो, किसी भी तरीके से जल से वह नहीं लगा हो। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करते हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। क्षेत्रफल के दृष्टि विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश का अभी कुछ देर पहले बताया था कजाकिस्तान है। भू आवेष्टित मतलब हो जाएगा लैंड लॉक कंट्री। ठीक है डेटम रेखा क्या है, डेटम रेखा क्या है, तो आपको हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई का गहराई मापी जाती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। ठीक ब्यूफोर्ट स्केल पर ब्यूफोर्ट कोड संकेत 12 अधिसूचित करता है, क्या सूचित करता है यह, तो आपका हो जाएगा
आपका हो जाएगा हरिकेन। हरिकेन एक प्रकार का चक्रवाती तूफान है, ठीक है। देखिए इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और लो लेवल का हाई लेवल सब कुछ कवर कर दिया गया है इसमें, और पूरा करा दिया जाएगा आप लोगों को धीरे धीरे, लगभग 5 से 10 मिनट का डेली वीडियो रहेगा, आपको कवर कर दिया जाएगा। पहले ज्योग्राफी शुरू हुआ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं पर स्थित है, तीनों सीमाओं पर स्थित है, तीनों की सीमाओं पर। आपका हो जाएगा 22 नंबर का आंसर डी, लग्जमबर्ग जो है वही। पवन की गति, पवन वायु की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा सी, एनीमोमीटर का, ठीक है। समान सूर्याताप को व्यक्त करने वाली रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो आपका हो जाएगा आइसोहेल। सूर्यताप को, समान सूर्यताप को व्यक्त करने वाली रेखाएं। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है, ओक्टास मापनी। आपका हो जाएगा सी, मेघाच्छादन की मात्रा में। मेघाच्छादन का मतलब जो बादल कितने घिरे होते हैं उसकी मात्रा मापने के लिए आइसोहेल रेखाओं को क्या प्रदर्शित करता है। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन हो जाएगा समान धूप या सूर्याताप या धूप, इसी एक ही है। निम्नलिखित में से कौन देश स्थल से घिरा हुआ है, आपको हो जाएगा 27 का बी, चार्ड, लीबिया, चार्ड, ये सभी कहाँ हैं, अफ्रीका के देश हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो आपको हो जाएगा बुडापेस्ट हंगरी, बिल्कुल सही है, किनशासा जेरे सही है, नैरोबी केन्या भी पढ़े हम लोग, और न्यूजीलैंड का क्राइस्ट चर्च ये गलत है आपका, ये सही है। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है, आपका हो जाएगा 19 ए, समुच्च रेखा, ठीक। और सेकेंड लास्ट है कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आपका हो जाएगा 13 नंबर का गिनी बिसाऊ, इसकी राजधानी बिसाऊ है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। मालदीव की राजधानी मलावी नहीं है, माले है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है किसके साथ बनाती है, आपको हो जाएगा 31 नंबर का, भारत और चीन के साथ, ठीक। चलिए ये रहा आप लोगों का पहला लेक्चर, और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है सब कुछ, अगर जो भी पूरा लेक्चर कर ले। एक नया प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा इसका, ठीक है, अगले 2-3 वीडियो में इसको डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट, आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। जो भी है, लेखपाल का हो, आपका लेखपाल हो गया, BDO हो गया, NTPC हो गया, BIS हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, लोअर जो PCS वैकेंसी उसमें आने वाली, उसमें भी है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर ही है। देखिए सब PCS में पूछा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे झारखंड PCS में पूछा है, यूपी PCS में पूछा है, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, यूपी PCS मेंस पूछा है, बिहार PCS में पूछा हुआ है, NDM पूछा हुआ है, IAS जो है 2000 में पूछा हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन अब अच्छे अच्छे बनने लगते हैं वो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही होते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली आपको 2-4-5 मिनट लगेगा सुनने में, सुन लिया करिए, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तभी आपको नोटिफिकेशन अगर मिल जाएगा। थैंक यू।